हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तलाश में और खास करके डिफेंस की तलाश में है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स ने सीधी भर्ती निकाल दी है। पूरे भारत के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज ग्रुप आपका होगा 18 साल से 23 साल और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी 12वीं पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए ही भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की गई है। हाइट है यहाँ पे दोस्तों 165 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में आपके लिए इसी भर्ती के बारे में कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली 2020, भारतीय वायुसेना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में जो रिक्रूटमेंट होने वाला है 2020 के लिए, उसकी कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो पोस्ट नेम आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट नेम है दोस्तों ग्रुप एक्स में नॉन टेक्निकल और इंडियन एयरफोर्स पुलिस, मतलब इंडियन एयरफोर्स पुलिस में भर्ती निकली हुई है। तो ग्रुप एक्स की, ग्रुप वाई की भर्ती है और इंडियन एयरफोर्स पुलिस की भर्ती है। अप्लाई मोड यहां पर आपका होगा डायरेक्ट भर्ती है, यहां पर आपका कोई फॉर्म भरना नहीं होगा, आपका डायरेक्ट भर्ती होगी यहां पे। तो अप्लाई मोड आपका डायरेक्ट भर्ती हो जाएगा। पे स्केल होगा आपका 26,900 पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, मतलब आपके ट्रेनिंग के टाइम पे आपके लिए 26,900 पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपकी सैलरी जो है वो एज पर स्केल मिलेगी। जॉब लोकेशन होगी दोस्तों यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया। और एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो इंडियन एयरफोर्स वैकेंसी एप्लीकेशन फीस होगी आपकी नील, यहाँ पर कोई भी आपकी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी होगी। ऑल कैंडिडेट्स फ्री, आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस के लिए एक भी रुपए नहीं देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट पैरामीटर्स, हाइट आपकी होगी यहाँ पे, जो युवा ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल के लिए भर्ती देखेंगे उनकी हाइट होगी 165 सेंटीमीटर, मतलब 165 सेंटीमीटर। एंड जो युवा एयरफोर्स पुलिस के लिए भर्ती देखेंगे तो उनकी हाइट होगी यहाँ पर 175 सेंटीमीटर, मतलब 175 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप एयरफोर्स पुलिस के लिए भर्ती देख सकते हैं। रनिंग टेस्ट होगा दोस्तों आपका यहाँ पर, रनिंग टेस्ट के लिए आपको रनिंग होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की 6 मिनट 30 सेकंड में, मतलब आपके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना अनिवार्य होगा। चेस्ट होगा आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होगा और सिटअप्स होंगी आपकी 10, पुशअप्स होंगी 10, मतलब आपको 10 सिटअप और 10 पुशअप करना अनिवार्य होगा फिजिकल फिटनेस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ओपन रैली 2020 सिलेक्शन प्रोसेस। तो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों क्या होगा वो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ अभी। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर मैं आपके लिए अभी बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब PFT, रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, मतलब 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में करनी अनिवार्य होगी आपके लिए। चेस्ट होगा आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन और सिटअप 10 और पुशअप 10। तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस की बात हो गई। फिर होगा आपका रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम में जो भी बच्चे पास हो जाएंगे उनके लिए फिर मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में केवल 3 ही चीज़ें हैं, PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट, मतलब आपको 12th क्लास पास होना जरूरी है विद 50% मार्क्स के साथ में। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो
17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में होने चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी आपके लिए वो मैं यहाँ पर आपके लिए बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपके लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट क्लास 10th और 12th के, आपके लिए आपके जो क्लास 10वीं और 12वीं की जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट हो गई, सनद हो गई, आपके लिए ले जाना ज़रूरी है। डोमिसिल सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों आपका, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद में है आपका स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपको लेके जाना होगा अनमेरिड सर्टिफिकेट, या आप सरपंच से या फिर आपके अगर गांव के रहने वाले हैं तो ग्राम प्रधान से बनवा कर ले जा सकते हैं। उसके बाद में आपका होगा, अगर आप रिलेशन से आपका कोई पहले से ही इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं, पापा या भाई, तो आप उनका रिलेशन सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। तो आपके लिए रिलेशन सर्टिफिकेट ले जाने से काफ़ी भर्ती में रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद में आपको एक एफिडेविट लेके जाना होगा, उसके बाद में आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये चीज़ें लेकर जानी होंगी। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। डेट ऑफ ओपन रैली 17 जनवरी 2020 टू 19 जनवरी 2020, मतलब 17 जनवरी से 19 जनवरी 2020 के बीच में ये ओपन रैली भर्ती होगी। अभी कहाँ पर भर्ती होगी इसके बारे में मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। रैली शेड्यूल है दोस्तों, द रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 6 AM ऑनवर्ड्स, रिपोर्टिंग टाइम 10 AM। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन रैली एड्रेस होगा दोस्तों आपको, JNTUH कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सुल्तानपुर, संगरेड्डी, तेलंगाना। मतलब ये भर्ती जो होगी वो ऑल इंडिया के लिए भर्ती है, लेकिन ये भर्ती इस इंजीनियरिंग कॉलेज में, JNTUH इंजीनियरिंग कॉलेज में, तेलंगाना में ये भर्ती होगी। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में मैं आपके लिए डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपके लिए इस भर्ती से संबंधित कोई और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके लिए कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एयरफोर्स एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पे स्केल भी बहुत अच्छा होता है और भत्ते भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो पूरे भारत के लिए भर्ती है, हाइट ओनली 165 सेंटीमीटर है और एज लिमिट आपकी 18 से 23 ईयर होगी, और आपकी 12वीं पास होना चाहिए आपको। यहाँ पर ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों की ही भर्ती है, और सबसे अच्छा मौका आपके लिए एयरफोर्स पुलिस में जाने का है। तो एयरफोर्स पुलिस की नौकरी तो बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। तो अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपके लिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे सबसे पहले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और जॉब नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।